नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत शर्मा है। आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल में, और आपका सभी का स्वागत है मुंबई के टीम 360 के ऑफिस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हर सैटरडे संडे फ्रेंचाइजीज़ की ट्रेनिंग होती है, उसी सिलसिले में आज जयपुर के अंदर भी ट्रेनिंग चल रही है और मुंबई में भी ट्रेनिंग चल रही है। मैं मुंबई के अंदर मौजूद हूँ और आज मेरे साथ में कुछ फ्रेंचाइजी लेने के बाद में हमारे जो टीम मेंबर बन चुके हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं, और हम इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जब इन्होंने इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देखा था तब इनका क्या एक्सपीरियंस था, या इन्होंने तब क्या सोचा था। उसके बाद में जब ये यहाँ पर इतनी दूर से, कोई 1600 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है, सब लोग दूर दूर से हैं, यहाँ के ट्रेनिंग लेने के बाद में इनका क्या अनुभव है, जो उन्होंने पहले क्या इनकी पिक्चर थी दिमाग में और अभी ट्रेनिंग लेने के बाद में इनके दिमाग में क्या पिक्चर है, और ये इस प्रोग्राम को अपने प्लेस पे जाने के बाद किस तरह से करेंगे, और ये क्या इस कंसेप्ट में बच्चों के लिए या इस प्रोग्राम का क्या फ्यूचर देखते हैं, अपने फील्ड में जाके किस तरह से करेंगे। मेरे साथ में जो मौजूद हैं उधर से उड़ीसा से मौजूद हैं मधुसूदन जी, उनके साथ में ही आए हुए हैं उड़ीसा से मनोज सर, साथ में उत्तम रॉय सर हैं, और साथ में हमारे हैं अमृत लाल जी जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो आज हम लोग इन सभी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि उत्तम रॉय सर हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर हम धीरे धीरे सभी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। प्लीज़ सर। नमस्कार सर, मेरा नाम उत्तम कुमार रॉय है। तो मुझे फर्स्ट टाइम जब ये कंसेप्ट पता चला कि इस टाइप का प्रोग्राम है जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट के अलावा बहुत सारे कुछ कर सकते हैं हम आगे जाके बच्चे के लिए, तो मुझे वो ढूंढने लगा कि कहाँ पर ये हो सकता है। तो मुझे YouTube में पता चला कि ये बहुत सारे प्रोग्राम टीम 360 वाले करते हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उनका वीडियो भी देखा है, फिर उनसे एक ट्रेनिंग के लिए यूजर्स की, तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का ट्रेनिंग होते हैं, तो आज मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट किया। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आगे जाके मैं बहुत सारे कोर्स में आगे जाके कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इससे बहुत ही फ़ायदा होगा बच्चे को, ताकि इसमें इतने सारे ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो बच्चे को बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनका ब्रेन डेवलप के लिए बहुत आगे जाके बहुत काम आया जाए। तो इसके साथ ही मैं अपना समाप्त करता हूँ कि ये ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर कोई करे, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होगा इसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, कम शब्दों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, और ये प्रोग्राम जो है बच्चों के फ्यूचर के लिए सर ने सही बताया। इसको लेके हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है कि ये कंसेप्ट जो है हर बच्चे के तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये किसी कंसेप्ट किसी बच्चे का एकाधिकार नहीं है। अभी हमारे साथ में जो है मधुसूदन सर हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, और मैं इनका एक्सपीरियंस शेयर कराना चाहूँगा। ये सर उड़ीसा से हैं, और सर का क्या कहना है इस कंसेप्ट के विषय में। नमस्कार, मो नाम डॉक्टर मधुसूदन होता है। मु नमस्कार करी टीम 360 का MD सर को, एवं बहुत धन्यवाद देवी टीम 360 समस्त कार्यकर्ता को, डॉक्टर NK शर्मा सर को, बिनी सर को, आउ आम रवींद्र सर को, कहीं ये गोटे एमती मिराकिल कनसेप्ट जो दिन मु यूट्यूब देखी थी मुझे बुझीपार नी कि मु जानी जे एमती संभव, कहीं जेहेतु योग आउ नेचुरल थेरापी लाइन में किसी दिन धरी चिकित्सा लाइन में अच्छी पाखापाखि 10-12 वर्ष है, मुझे जानी एमती संभव, किंतु मु केबे रास्ता पाऊ नथिली। तो जो दिन मु यूट्यूब रे देखिली तो सही दिन मु डिसाइड करली तो नाई मु गोटे थर जीबी आउ ये प्रोग्राम को देखी। तो जो दिन मु आसी पहुँचली आउ सब बुझिली तो सही दिन ही मु डिसाइड करली ना ये प्रोग्राम को मु फ्रेंचाइज नहीं करी मो ओडिसा पिला मानों को ब्रेन को आउ बहुत डेवलप करेबी, जोटा मध्य गोटे समाज सेवा सांगरे बहुत बड़ पिला मानकर बहुत बड़ डेवलप हबो। तो मु डिसीजन नेली एवं आज ट्रेनिंग नेली आउ फ्रांचाइज मध्य आज नेली, एवं देख समय क्रमे तो ये जो विद्या को प्रचार एवं प्रसार करिवा पई मु संकल्प नौछ। वीडियो को देखते ही इनको अपीलिंग लगा और इन्होंने डिसाइड किया इस कंसेप्ट को स्टार्ट करना, तो हम भी सर के शुक्रगुजार हैं कि सर के ज़रिए वहाँ उड़ीसा तक के बच्चों के चीज़ पहुँच पाएगी। अब हमारे इसी क्रम के अंदर उड़ीसा से सर के साथ ही उनके फ्रेंड जो हैं हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि पेशे से इंजीनियर भी हैं, तो सर का एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं। प्लीज़ मनोज सर। नमस्कार,
मेरा नाम मनोज कुमार साहू है, आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ्स ऑफ टीम 360. दिस पीपल आर सो कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव एंड दे हैव अ एक्सलेंट टीम ऑफ कोच एंड दे आर गिविंग एक्चुअली वेरी नाइसली एंड डिटेल्स कोचिंग फॉर एवरीथिंग दैट व्हाट वी आर नीडिंग and what we have listened and seen from the YouTube and it's a very I was thinking it's a miracle or somebody is doing something actually fluke things in putting some fluke things in fake things so in YouTube but later on when I went through all the some 10-15 YouTube's programs they have uploaded in the YouTube. It was something I found interesting that this type of can happen, so all the children can get benefit out of it, right? So children can get a direction out of this method actually. So where from which field they will go and what they will do and how to guide them to get successful. And something that quantum speed memory or something like that, that is a subject chapter which is enhance the memory of children between 5 to 15 years of children and midbrain activation. That is that was so interesting. So I came to here and I found actually everybody is so supportive and so cooperative. And I am very much thankful to all the staffs. Thank you very much. Thank you very much, sir. थैंक यू वेरी मच मनोज सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा हमारे को और वाकई हम लोग जो हैं, मैं मुंह से नहीं कहूँगा, बाकी हम लोग सभी जो है कोऑपरेटिव है, करते हैं तभी लोग यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं. अभी इसी बीच में हमारे साथ में एक शख्सियत और मौजूद है जिनका नाम अमृत लाल सर है, जिनके वो मैं जो है जिनके साहस के लिए जो है क्लैप करना चाहूँगा कि भाई सर जो है इस एज ग्रुप के अंदर भी आकर कुछ करने की डिटर्मिनेशन रखते हैं और इस कंसेप्ट को, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी अब तक की 9 साल की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा एज के पर्सन सर हैं, तो उनके लिए एक बार क्लैप की जा सकती है क्योंकि सर इस एज के अंदर भी कुछ करने का या बच्चों को ये चीज़ देने का जो साहस रख रहे हैं वो बहुत ही अप्रिशिएट और प्रशंसनीय है. तो मैं सर से सर का एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कराना चाहूँगा ताकि आपको भी ये चीज़ समझ में आए कि एज किसी स्किल को सीखने के लिए बाधक नहीं हो सकती. तो आइए सर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं प्लीज़. नमस्कार, मैं अमृत लाल मुंबई से हूँ और मैंने यूट्यूब के जो ऊपर इनका वीडियोस 360 डिग्रीज का देखा और मुझे ज़रा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने सोचा किसी भी हालत में मैं अगर बच्चों का भलाई होता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे जो भी मेहनत करनी पड़े करूँगा. और मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग लगा है और इसमें डेफिनेटली बच्चों का भविष्य सुधरने का चांस है और मैं चाहूँगा कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को ये प्रोग्राम देखने पर तैयार कर लें और उनको एनरोल करें ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके, उनको गाइडेंस मिल सके कि किस लाइन में उनको उनके बच्चों को आगे बढ़ना है ताकि वो हिंदू अपना इंडिया का नाम भी रोशन कर सके. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच अमृत लाल सर जी. जो आपने अभी सर का एक्सपीरियंस सुना कि सर ने जो एक ठान रखी है कि बच्चों को अगर बेनिफिट दिया जा सकता है तो इसके लिए मैं कुछ भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो हम भी सर को जो है प्रॉमिस करते हैं भाई सर को हमारी तरफ से कोई भी हेल्प की आवश्यकता हो तो उनके लिए यहाँ जयपुर के बजाय मुंबई के अंदर ऑफिस यहाँ पर है, तो आप कभी भी हेल्प ले सकते हैं. और अमृत लाल सर ही नहीं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सभी लोगों को हमारा प्रॉमिस रहता है कि भाई आपको वहाँ अपने प्लेस पे जाने के बाद कोई भी तरह की दिक्कत आती है या कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे. इसी बीच में हमारे साथ में डॉक्टर एनके शर्मा जी भी मौजूद हैं जो कि 17 साल से स्कूल लाइन के अंदर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल बड़ी रेपुटेड स्कूल्स में रहे हैं. तो मैं सर का भी एक मिनट लूँगा, सर का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमारे साथ में 4 साल से सर हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं. तो सर का क्या एक्सपीरियंस है प्लीज़ सर, डॉक्टर एनके शर्मा जी. थैंक यू विनीत सर,
So first of all, I would like to congratulate all the our franchisees, those who have come from all the distant places, and I am really wholeheartedly thankful to Amrit Lal sir at this age of 76, he has decided to do something for the children, for the welfare of the children. Really, I don't have words to appreciate his sense of spirit for the society. And I came to know about this concept around 4 years back when Vinit sir, Vipul sir came to my school. Initially, I could not believe how it is possible a child blindfold can read and all that. But I keenly observed each and every child. Their classes were there, around 12 classes were there. In all classes of around 4 hours per Sunday, I was there. I checked the result of each and every child. More than 290 children were there. Everybody was able to do blindfold, and their academic performance also improved from 10% to 30%. And the best part of the thing that every child felt confident. Parents were very much thankful to us that we could not believe that this kind of sea change is possible through this kind of your mid-band activation program. And here, in short, I want to tell that around 25 years back in Japan, the same thing has happened. Those around 18,000 persons have taken part in your Penang Land activation program. After 20 years, the survey was conducted, and all 18,000 people became multimillionaire after 20 years. So because of this kind of programs, it can enhance that the financial awareness of the people, and they can become successful in their life at the later stage. So I wish that each and every person, those who are seeing this video, let it be the principal of the school, let it be the parents, let it be the your and the office bearers of the your education institutions management, I request each and every person that please do send their children for DMIT as well as Penang Land activation program, so that they can also contribute for the development of our country. Thank you very much. वेरी मच सर. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे साथ में हर एक्सपीरियंस शेयर के वीडियो के अंदर कंपनी के एमडी सर मिस्टर डी जी शर्मा साथ में रहते हैं, और उनके जो है विचारों से हम लोग लाभान्वित होते हैं. लेकिन आज वो जयपुर ट्रेनिंग के अंदर मौजूद है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट जब भी ट्रेनिंग करेंगे तो सर को यहाँ आग्रह करेंगे कि सर यहाँ पर आएँ, ताकि उनके विचारों से भी हम लोग लाभान्वित हो सकें. अभी मैं सब लोगों का अंत में एक बार दोबारा से सभी लोगों की फ्रेंचाइजी जिन्होंने ली हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ. और ये लोग अपने प्लेस पर जाके काम को बहुत तेज़ी से फैलाएँ, बच्चों को लाभान्वित करें. इनको अगर किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे से ले सकते हैं. इवन मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ जाने के बाद में एटलीस्ट अपने मिलने वाले चाहे 4 लोग 5 लोगों के भी फिंगरप्रिंट लें, तो आपका आइडिया लग जाएगा कि फिंगरप्रिंट कैसे लेते हैं, प्रैक्टिस में आ जाएगा. हमसे रीचेक करा सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट करें, उसके बाद में भी आपको आइडिया लग जाएगा रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, तो दोबारा हमसे रीचेक करा सकते हैं कि सही बनाई है. यानी काउंसलिंग करने कम से कम 4 लोगों की एटलीस्ट काउंसलिंग, 5 लोगों की काउंसलिंग करके उसका ऑडियो हमें भेजें, तो हम लोग आपको बताएंगे कि आपको काउंसलिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या हमसे हेल्प ले लें. अगर 4 से 5 लोगों की आप काउंसलिंग कर लेते हैं तो इस फील्ड में आप कहीं पीछे नहीं हटेंगे और बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे. अगर अपन काउंसलिंग में पकड़ बना लेते हैं तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो. यही कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप लोगों को लाभ दे सकते हो. उसके बाद में सारे कोर्सेज आते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे इसी कोर्स को जो है कमांड अपने को हासिल करनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच एक बार पुनः सभी लोगों का धन्यवाद. सभी लोग इतनी दूर से आए और हमारे साथ में जुड़े, थैंक यू वेरी मच.